बाबू सुना करके दवाई खिलाते, दवाई से सुधार नहीं होता, महीना महीना भर ब्लीडिंग चालू रहता है, तो उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तुम अकेला मेरा गलती है, अकेला मेरा गलती है क्या? गलती उसका भी होगा, उसकी गलती है। आप एक बार भी उसको बोले, आप इसको बोले कि अपनी पत्नी, अपने पति को क्यों धोखा दिया? तुम कैसे अगर हम किसी को नहीं फंसाना चाहते थे, नहीं हम किसी को नहीं फंसाएंगे, तो कैसे धोखा देगी तो तुम भी धोखा देगा। एक तरह से ये जाल बिछाता है, आप सब एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इतना लड़की का जाल बिछा चुका है, एक तो दो को तो हम लोग को वीडियो में दिखाया गया है, एक आप हो गई, और गांव में चाची तक को भी नहीं छोड़ा, गांव में भी बहुत लोग है। ये कौन है, तुम है? मेरा क्लासमेट लड़की है। ये तुम है? मेरा क्लासमेट लड़की है। अरे भाई ठीक है, क्लास फ्रेंड लड़की है तो क्या एक क्लास फ्रेंड लड़की चुम्मा लेगी? इतना दिन से नहीं ढूंढे, इतना हम भटक रहे, वीडियो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, वो हमको ढूंढ रहे हैं, अगर उनसे हमको कोई ताल्लुक होता वो हमको ढूंढते ना। इन्होंने एक महिला को, शादीशुदा महिला को फेसबुक से अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद अब के मानने को इनकार कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक। और देखिए, फेसबुकिया प्यार के जाल में फिर से एक लड़की को कथित तौर पे फंसाने वाला लड़का हमारे साथ है। इनका नाम है कुंदन कुमार। इन्होंने एक महिला को, शादीशुदा महिला को फेसबुक से अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद अब के मानने को इनकार कर रहे हैं, ऐसा महिला का आरोप है। अब आइए जानते हैं, सबसे पहले कुंदन इधर आइए, यह आरोप लग रहा है आप पे कि आप फेसबुक पे एक महिला को फंसाए हैं और उससे आपका एक बच्चा भी है, 4 सालों से आप लोगों का संबंध है, क्या कहना चाहेंगे बताइए? ये बताइए कि आपसे उनका संबंध था कि नहीं? कैमरा इधर ऐसे देखिए, सीधा देखिए कैमरा पे, संबंध था उस महिला से आपका? यस सर। कैसे संबंध बना? देखिए बता रहे हम आपको, जब मैं फेसबुक चलाते थे, हर एक इंसान फेसबुक चलाते थे, एक दूसरे को फ्रेंड होता है वहाँ पे, फ्रेंड होने के कारण हर एक इंसान, जब इंसान को जब नंबर नहीं रहता है तो कोई भी नंबर का डिलीक्ट होता है, तो हर एक लड़का कमेंट करके कहता है कुंदन तू मेरा नंबर भेजो, मेरे को नंबर से बात करना है। मैं कमेंट में नंबर डालता हूँ, नंबर डालने के बाद मेरा वो दोस्त भी फोन करता है और उसके बाद ये नंबर निकाल के ये भी मेरे फ्रेंड आपका कमेंट से खुद नंबर ले लेती है, ठीक है सुनते हैं। उसके बाद नंबर लेने के बाद मेरे को फोन करती है, फोन करने के बाद हम पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो बोले मुजफ्फरपुर जिला से हम बोल रहे हैं। हम बोले कि मुजफ्फरपुर जिला से, मेरे मुजफ्फरपुर जिला से कहाँ से बोल रहे थे? जो इंसान मुजफ्फरपुर में रहेगा उसी को बारे में बताएगा कि मुजफ्फरपुर कौन सी जगह से हम बोल रहे हैं। ये बोली कि फिर बोली कहती कि नहीं हम आपको देखे, हम कहे कहाँ देखे, तो बोली कि शादी पार्टी में हम देखे। हम कहे कहाँ शादी पार्टी में देखे, तो सकरेल में। हम बोले कि सकरेल में हम ऐसा सकरेल में हम रहते, बाकी मैं ऐसा शादी पार्टी में कोई सकरेल में मैं नहीं गया था। तो बोली कहती कि नहीं हम आपको देखे, तो हम कहे कैसे देखे कुछ बताइए। नहीं इसे आपका भाइया है सो मेरे पति के साथ काम करता है, मेरे पति के साथ में जाता है वहाँ पर, ऐसा वैसा। उसके बाद मेरे को वो बोलती है क्या से आपको हम जानते हैं। हम कहे कैसे जानते हैं, तो बोले शादी में। हम कहे ठीक है एक बात बताइए, शादी में जानते हैं तो हो सकता है हम ऐसा शादी में नहीं गए होंगे, बाकी आप कहीं देखे होंगे, बाकी हम आपको नहीं जानते हैं। उसके बाद वो फ़ोन काट देती है, काटने के बाद फिर दूसरे दिन फिर फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद फिर मुझसे बात करती है, फिर उसको मैं बोलता देखिए मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मेरे प्लीज़ मेरे मोबाइल पर कॉल मत कीजिए। उसके बाद फिर ऐसा आप बोलते हैं ये बात कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मेरे मोबाइल पर कॉल मत कीजिए, ये बोले हैं? ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है वहाँ पे कि एक दिन मेरे को नाइट में फ़ोन आता है, नाइट में फ़ोन आने के बाद मेरे साथ उल्टा सीधा बात होता है। किस प्रकार का उल्टा सीधा? मतलब कि ऐसा कुछ होता है, मतलब कि ऐसा कि अश्लीलता बात। अच्छा, हाँ। वो बात होने के बाद बात को रिकॉर्डिंग किया जाता है और आप भी अश्लील बात कर लिए। कल आप मना कर रहे थे कि आप ऐसे मत कीजिए, तो रिकॉर्ड कैसे कर लिया? सुनिए ना, हम बता रहे हैं आपको, जैसे वो बात कर रही थी मेरे साथ, ठीक है, हम सिर्फ हाँ बोलते गए, हम इसलिए बोलते गए। हाँ काहे बोलते जाएंगे? इधर सुनिए, मैं इसलिए बोलते गया कि ऐसे भी फ़ोन काट दे, ठीक है, और मैं उसे बार बार बोलता देखे ऐसा बात मत करो, ऐसा बात मत करो, ठीक है, मैं ऐसा बात नहीं करने के लिए मैं एक आध दो बार फ़ोन काटते गए। ऐसा तो रिकॉर्डिंग में भी होगा ना कि ऐसा बात मत करो, ये सब तो रिकॉर्डिंग में भी होगा। देखिए अभी के डेट में ना मेरे पास वो रिकॉर्डिंग होगा ना उसके पास रिकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये बहुत दिन पहले की रिकॉर्डिंग, उस समय मेरा मोबाइल भी कैच चेंज हो चुका है। वो एक बार आपके साथ अश्लीलतापूर्वक आप दोनों बात किए, उसके बाद फिर कैसे मिले कैसे ये बताइए। देखिए बता रहे हैं आपको, सही सही बताइएगा, प्रूफ देना पड़ेगा आपको। सही सही बता रहे हैं हम आपको, क्यों नहीं बताएंगे सही से आपको। उसके बाद रिकॉर्डिंग करके मेरे को बोले कि तू मुझसे बात नहीं करेगा तो फिर मैं आगे तक मैं रिकॉर्डिंग को छेड़ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मेरे को धमकी देने का स्टार्टिंग कर दिया, ठीक है। मैं बोला कि ऐसा करना है तो कर दो, बाकी मैं तुमसे बात नहीं करूँ। फिर भी वो ऐसा ही करती गई, बात करती गई, उसको आपसे बात करती गई। हाँ यस सर, मैं भी किया, ऐसा बात नहीं कि मैं भी नहीं किया, मैं किया बात। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो हाथ काटने का स्टार्ट करते, तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं नस काट के अपनी जान। वीडियो में तो वो लड़की बोल रही है कि आप उनको जलाए हैं हाथ में, तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ सर। दिखाइए नस, मतलब खुद काट रही है आपका कहने के हिसाब से?
देखिए कहने के हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं कि वो नस खुद काट रही है। यस सर, देखिए ये देखिए आपको वीडियो, देखिए वीडियो, चलिए ये वीडियो आप हमको फॉरवर्ड कीजिएगा, अभी फिलहाल थोड़ा धुंधला दिख रहा है। एक सेकेंड सर, और होगा फ्रेश वीडियो, थोड़ा सा कुछ धुंधला दिख रहा है। चलिए तो इसमें दिख रहा है कि वह ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो इसका मतलब ये वह खुद हाथ काट रही है। यस सर। चलिए एक चीज़ आपका मानिए, आप पे इल्जाम लगता है कि आप इसी प्रवृत्ति के आदमी हैं, पता है किस प्रवृत्ति के? इसी प्रवृत्ति के कि अलग अलग महिलाओं को ये सब को फंसाते हैं जाल में आप। इधर सुनिए, अगर ऐसा मैं किया हूँ ठीक है, तो मैं अगर मान कर चलो ठीक नहीं, आप घुमाइए नहीं बात को, ऐसा इल्जाम लग रहा है ये सच है? देखिए फिर देखिए, सच है ये? ऐसा नहीं है, नहीं है। हमारे पास कुछ लोग हैं जो प्रूफ लेके आए हुए हैं। सर आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अमित है और हम न्यूज 11 चलाते हैं, न्यूज के भी पर्सन है ये, और इनके पास प्रूफ भेजा गया है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, हम कैमरा पे नहीं दिखाना चाहेंगे। ठीक ठीक, हाँ किसी के प्राइवेसी है, आप देखिए, आप देखिए। लड़की की बात है, हाँ एक लड़की का तो जिंदगी तुम बर्बाद करिए दिए हो, दूसरे लड़की का जिंदगी बर्बाद ना हो। कौन है? तुम है? मेरा क्लासमेट लड़की है। ये तुम है? मेरा क्लासमेट लड़की है। अरे भाई ठीक है, क्लास फ्रेंड लड़की है, तो क्या एक क्लास फ्रेंड लड़की चुम्मा लेगी? का चुम्मा ले रही है? दिखा रहे हैं बाबू। ये औरत कौन थी? दिखा रहे हैं। ये कौन थी? ये पिंक कलर वाली कौन है? ये क्या है? तुम है? चुम्मा ले रही है? चुम्मा ले रही है कि नहीं ले रही है? अरे यार ले रही है कि नहीं सो बताइए ना, दो सो बताओ ना, ले रही है? बताइए, चलिए ये चीज चल गया, अब बताइए भाई। नहीं अब बताइए, अब आप और लड़की क्या होता है, अब बताइए ये 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 कौन लड़की है? मेरा क्लासमेट फ्रेंड है। क्लासमेट फ्रेंड है भाई, तो ठीक है, आपको इनसे संपर्क था ना? क्या किस क्लास में पढ़ते हो तुम? हाँ किस क्लास में पढ़ते हो तुम? मेरा जब मैं ट्वेल्थ में पढ़ते हो? कब किए ट्वेल्थ? ट्वेल्थ मेरा 2017 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। कितना साल हो गया गैपिंग? गैपिंग कितना साल हो? कितना दिन हो गया गैपिंग? जोड़ लीजिए आप। ये 5 साल पहले का फोटो है? ये 5 साल है, ये कब का फोटो है? ये 2014-15 का फोटो है। ये 2000 मतलब और पहले का फोटो है? यस सर। भाई आपका आपका आप पे जो इल्जाम लगा है ना कि आप गलत गलत अलग अलग लड़कियों के साथ आपका संबंध रहा है, चलिए इनके पॉइंट पे आते हैं, ये तो प्रूफ हो गया है, इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते हैं कि ये संबंध रहा है, ये वास्तविक बात है। कोई किसी का फ्रेंड रहेगा तो इस तरह से आपत्तिजनक फोटो थोड़ी रहेगा भाई। तो आपके पास ये भी लग रहा है कि आप 4 साल से इनको ऐसा फंसा के रखे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर 4 साल से आपका इनसे साथ शारीरिक संबंध ही बना है? नहीं नहीं बना है। शारीरिक संबंध नहीं बना तो बच्चा कहाँ से? बच्चा कहाँ से? अगर बच्चा है तो डीएनए टेस्ट करवाइए आप। डीएनए टेस्ट हाँ करवाइए, क्यों नहीं? हाँ अगर प्रूफ कुछ होगा ना, अगर ठीक है, अगर बच्चा मेरा है तो प्रूफ करके दिखाइए कि मेरा बच्चा संबंध नहीं। तो फिर ये आपके पीछे इतना क्यों है, परेशान है? इसलिए कि इसके पास, इसका पति के पास, मेरे पास घर है, मेरे पास कुछ जमीन जाता है, ठीक है, इसके पास पति के पास नहीं है। और आप ही एक लड़का पूरे बिहार में है क्या जो जमीन जायदाद वाला? जो सुने इसके साथ कितने का चक्कर है? कितने का चक्कर? आप अभी आप प्रूफ दिखाइए, ये तो दिखा दिया आपका प्रूफ, अब आप एक प्रूफ दिखाइए जरा चक्कर वाला। डीएनए टेस्ट होता है क्या? हम ही जानना चाहते हैं। पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, अरे आप उनका प्रूफ दिखाइए ना सर, वो तो उधर, अब एक मिनट आप प्रूफ दिखाइए कि ये तो प्रूफ है, वो कर दिए न्यूज चैनल में, इनको भेजा गया फोटो, दिए बता दिए कि भाई आपका संपर्क है, 4-5 लड़कियों का दिखा दिए, अब आप इनका दिखाइए, कुछ तो प्रूफ करिएगा ना भाई, यहाँ तो प्रूफ ही ना होगा। जब आपके साथ ये रहने के लिए जब आने लगी तो आप मना करने लगे, उसके पहले आप आराम से रह रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। कौन लड़का है? अब मैं नहीं जानता, ये आप नहीं बोल सकते, ये प्रूफ नहीं है भाई। आप ही ना आप बताए थे अंजलि धमाल नाम का, आप बताए थे ना चैनल है, तो चैनल पे ना अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कैसे? मिराज के साथ भी उसका वीडियो है, तो क्या आप उसके संबंध बना दीजिएगा? यस नहीं, वो बात मैं उसके मनी मिराज के साथ मैंने बताया, मनी मिराज के साथ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मनी मिराज के साथ ऐसे ही तो ये कि रील्स वीडियो आप दिखा रहे हैं भाई। अब मेरे साथ कितना आदमी के साथ हम रील्स बनाए होंगे, तो आप सबके साथ संपर्क न्यूज पे तो इतना अश्लील अश्लील वीडियो तो सबके साथ आप नहीं जोड़ सकते, आपके पास प्रूफ नहीं इसका निकला सर। अब एक बात बताइए, ये प्रूफ आप नहीं दे पाए, अब आप बताइए कि आप कह रहे थे कि अभी 2 महीना तक ये अपने पति के साथ ही थी, इसका प्रूफ आप हमको दिखाइए। आप बोल रहे थे ना कि अगर हम 4 साल से इसको रखे हुए हैं तो ये 2 महीना पहले अपने पति के साथ क्या कर रही थी? अपने भाई के शादी में भी लाता है। देखिए ये आपका अपने महबूब सनम जून 27, 2023 को ये वीडियो डाला गया है, ठीक है, ये एक चीज़ माने हम कि जून 27, 2023 को वीडियो डाला गया है और अपने पति के साथ डाला गया, तो जून अभी हाल फिलहाल में ही गया है, तो ये हो सकता है, इसको पढ़िए, तो ये तो ऐसा भी हो सकता है, ये मैं क्लियरली नहीं कह सकता हूँ कि बाद में वीडियो भी डाला जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास सुनिए ना, ठीक है, मेरा एगो फोटो होगा जो मेरा 2010 का मैट्रिक का होगा, उसको हम कल डालेंगे तो वो दिखाएगा, वही अक्टूबर है ना? नहीं सर, बाकी आगे आगे पीछे का आप देख सकते हैं ना वीडियो। दो
ये वाला देख के क्या कहिएगा? हाँ, ये वाला देख के तो वही कहेंगे ना कि आप इसके पति के साथ है ना, पति के साथ है ना, अपने पति के साथ, पति के साथ। देखिए, आइए आइए, आप 2 महीना से घर में? जी 2 महीना से इनके घर में है। घर में है 2 महीना से ना, क्या इसका अंतरराष्ट्रीय मनवाड़ी कार्ड घूम दे रहा है? सवा महीना ही रखा है वहाँ पुणे में, लेकर पुणे में रखा है सवा महीना ही। अरे भाई, तो मतलब गजब हाल है भाई, पुणा उना ले गए भाई। मेरे को उस समय मेरा जान का खतरा था, मैं आपको आपको एनी टाइम हमको धमकी देती थी। कैसे मैं आपको ले गए हैं? पुणा ले गए हैं मेरे गांव के? पुणा ले गए कि नहीं? यस सर, मैं ले गया। आप देखिए, ये लड़का झूठ पकड़ा गया। सुनिए सुनिए, इसके आपके मोबाइल में क्या बोला यही पे है सर? आप बोला ना पुणा उना नहीं ले गए हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोला। अगर सुनिए, ये आपके में बोला है ना किसे, अगर ले गए होंगे हम तो वहाँ कंपनी वाले से पूछिए, दिल्ली चाहे पुणे कहीं। सुनिए, पहले मैं आपको अगला मैं बोला था कि मेरे को गांव के अथी दवा। आप बोले शारीरिक संबंध नहीं बना है? नहीं बना है। तो पुणे को ऐसे घुमाने ले जाएगा? देखिए, आप बात समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे? आप खुद फंसते जा रहे हैं। क्या फंसते जा रहे हैं? अपना भाई के शादी में भी लाया था? नहीं लाया था। सुनिए ना मेरे बात, आप खुद फंसते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमको किसी से कोई प्रेम प्रसंग या कुछ संबंध नहीं लगेगा, हम पुणे काहे ले जाएंगे दिल्ली भाई? एक मिनट, हम गलत रहेंगे समाज में तो समाज हम पर क्यों दबाव बनाएगा बताइए? अगर पूरा इसको गलत नहीं था समाज, मुखिया सरपंच क्यों दबाव बना के इसके साथ लड़की के भेजा पुणे? इससे पूछिए सवाल, छोड़ कर भागा? मैं समाज में गलत है तो हमको समाज बता कि अमरजीत गलत है, तुम गलत है तो समाज तुम पर। अकेला मेरा गलती है? अकेला मेरा गलती है क्या? गलती उसका भी होगा, उसका भी गलती है। एक बार भी उसको बोले, आप इसको बोले कि अपनी पत्नी, अपने पति को क्यों धोखा दिया? तुम कैसे? अगर हम किसी को नहीं फंसाना चाहते थे, नहीं हम किसी को नहीं फंसाएंगे तो कैसे धोखा देगी? तुम भी धोखा देगा क्या? पति को दिया तो तुम भी धोखा देगा क्या? तुम भी धोखा दिया ना? क्या धोखा दिया? तो समाज से बात करो, तो समाज बनाइए। आगे तो देख सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं ये लड़का का प्रूफ हो रहा है, क्योंकि हर चीज प्रूफ पे ही होता है। और ये भाई साहब भी प्रूफ दिखा रहे हैं कि इनका और भी लड़कों के लड़की के साथ संबंध है। तो भाई आप क्या करना चाहेंगे, लड़की को रखिएगा? हम अभी कुछ नहीं बोलते, जो मेरा वहाँ फैसला वही आएगा, जो आएगा मैं उसको। जब यहाँ पे लोग आए हुए हैं, संगठन के यहाँ हैं, तो ये लोग प्रूफ करेंगे, इनके पास प्रूफ भी है, तो रखना रखिएगा ना। डेढ़ महीना से लड़की का लड़के मनमाते सुनता संगठन ने, क्या होगा? जेल होगा तो जेल होगा, फांसी पर चढ़ा दीजिए। क्या रखिएगा लड़की को? हम अभी कुछ नहीं बताए, नहीं रखिएगा, हम आपको अभी कुछ नहीं बताए। इतना प्रूफ होने के बाद भी क्या? क्या प्रूफ? मैं आपको कुछ प्रूफ नहीं दिखाया? दिखाया आप एगो, एक लड़की लगातार मीडिया पर आ रहा है, लेकिन गलत नहीं था, दिखाया। रखिएगा, क्या लगता है? हम अभी आपको कुछ नहीं बोलना चाहते, रख सकते हैं भविष्य। हम अभी नहीं जानते हैं, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। आपके पास इतना प्रूफ नहीं जितना उन लोग के पास। ठीक है, थोड़ा सा महिला यहाँ पे है, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब लगता है आपको, कुछ बताइए। देखिए, आप रो रही हैं, जो कि रोना लाजमी है किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो, लेकिन आप क्या चाहती हैं? इन्हीं लड़का के साथ कुंदन के साथ रहना चाहती हैं? इन्हीं के साथ रहना। पहला पति को कब छोड़ी थी आप? हम कोई प्यार नहीं किए थे। नहीं, पहला पति को कब छोड़ी थी ये बताइए? उसको 4 साल, मतलब 4 साल से मेरे साथ उसका कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने तलाक लिया? गांव में पंच में, मतलब पूरा छोटा छोटा वो हो गया। हो गया पंच में? इतना दिन से नहीं ढूंढे, इतना हम भटक रहे, वीडियो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, वो हमको ढूंढ रहे हैं। अगर उनसे हमको कोई ताल्लुक होता वो हमको ढूंढते ना। इनसे हम प्यार नहीं किए थे, ये मेरा पति को, मेरा भैंसुर है, मेरे गांव में जो देवर लोग हैं सबके साथ कलकत्ता में काम करते थे, दोस्ती का हाथ बढ़ा के एक तरह से जाल भी चाहते हैं। हम जितना चुप बैठेंगे इतना ये बोलेगा मेरे खिलाफ। अगर के पास कुछ प्रूफ नहीं मिला है, अभी प्रूफ मांगा गया ना, तो इसी के खिलाफ नहीं है, नहीं है। अगर मैंने किया तो मेरी भी प्रूफ लाइए, जैसे इसके साथ है। आपका प्रूफ, वो एक रील्स दिखा रहे थे आपका एक लड़का के साथ, रील्स तो किसी के साथ भी बना सकता है कोई। मैं बनाती थी वीडियो, एक बार नहीं 100 बार वीडियो डिलीट करवाया है। अभी वीडियो मतलब घूम रहा है अंजलि धमाल चैनल, वीडियो बनाना क्या गलत बात नहीं है, वो तो किसी के साथ ही, भाई के साथ ही बना सकते हैं, पापा के साथ ही बना सकते हैं। सही में आई आपके साथ संपर्क में रहा? बिल्कुल सही बात है। पुणे ले गया? ले गए। शारीरिक संबंध भी बना? जो उकारा नहीं, अभी तक मानने को नहीं तैयार है वो, तो उससे क्यों ले जाए? पुणे ले गए थे तो वहाँ पे इनकी मम्मी सिखाते थे, तो मतलब वही मतलब है, बात सच है, ऐसा नहीं है जो नहीं बनाए थे। तो वो तो अभी तक मानने को तैयार नहीं था, अब आप इनके साथ रहिएगा? हाँ। कहीं आपको फिर दिक्कत होगा रहने के बाद? तो एक तरह से ये जाल बिछाता, आप सब एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इतना लड़की का जाल बिछा चुका है, एक तो दो को तो हम लोग को वीडियो में दिखाया गया है, एक आप हो गई, और गांव में चाची तक को भी नहीं छोड़ा, गांव में भी बहुत लोग है। अच्छा, मतलब एक तरह से मतलब इसी प्रकार का लड़का ही है ये? ऐसा ही है। जो माँ नहीं पहचाना था, क्या अगला पहचाने का?
तो देखिए अभी महिला थाना में ये आई हुई हैं, अंजलि नाम है इनका, और ये लगातार रो रही हैं और इनका यही कहना है कि भाई इन्हीं के साथ रहना है क्योंकि पहला पति से पंचों के द्वारा ही 4 साल पहले ही छुट्टा छुट्टी हो गया था, तब जो भी बचे हैं वो यही बचे हैं, है ना। और ये रखने से इनकार कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे साथ कोई संपर्क, बोल रहा है बच्चा भी इनका नहीं है, ये बच्चा इन्हीं का है, नहीं ये कुंदन का नहीं है, नहीं इस 4 बार मतलब एबोर्शन करवाया था, ठीक है 4 बार एबोर्शन का खबर आ रहा है, वो बोल रहा है कि एबोर्शन करवाया तो उसका प्रूफ होगा, एडियो है मेरे पास, बाबू सोना करके दवाई खिलाते हैं, दवाई से सुधार नहीं होता, महीना महीना भर ब्लीडिंग चालू रहता है तो उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है। 4 बार एबोर्शन करवाया जी, देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये कुंदन जो है एक तरह से सातिर कह सकते हैं आप, क्योंकि ये अभी जो प्रूफ जिस हिसाब से मिला है कुंदन के खिलाफ उससे यही पता चलता है कि ये लगातार लड़कियों को फंसाता है, लड़कियों को यहाँ तक ये कह रही हैं कि महिलाओं को भी वो नहीं छोड़ता है और उसी की जाल में ये भी फंस गई किसी तरह से। कुछ नहीं थी, मम्मी पापा ने जल्दी शादी कर दिया, 16 साल में शादी हुआ था आपका, हाँ तो मेरे मुझे कहीं ना कहीं शादी का मतलब भी नहीं पता था, जब इनके उसमें आई तो मैं सिर्फ 19 साल की, अभी 24 है मेरा उम्र, आप आधार कार्ड देख सकते हैं। अच्छा मतलब आपकी जब शादी हुई तो आपको कुछ आइडिया नहीं था, जब इनसे आप संपर्क में तब आपका 19 साल उम्र था, 19 था अभी 24 है। तो आप यही चाहती हैं कि आप कुंदन के साथ रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं। नहीं रखेगा तो? ये बोल रहे हैं जो घर और जमीन हाँ। पैसा ये जब पूना गए थे तो इसके पास कुछ भी नहीं था, मैं 3 दिन लंगे पैर घूमी, उसके बाद में मुझे बच्चा को, मेरा एक छोटा बच्चा है 4 साल का, उस बच्चा को लेके मुझे काम करना पड़ा। तो पूछ सकते हैं आप, जो अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो वो बेचारी 3 दिन लंगे पैर क्यों घूमी अनजान शहर में, उसको इतना दुख, खाने पीने के लिए नहीं देता था उसको इतना दुख क्यों देता था, वहाँ पे तो इनकी जमीन है, इनका घर नहीं था तो वहाँ पे इनके लिए क्यों मारती थी, इनको छोड़ के मैं चाहती तो जा सकती थी, इतना बुरा हाल में हमको टॉर्चर करता था, हर एक तरह से हम जा सकते थे, क्यों नहीं गए। एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे उसके बाद आप चले जाइएगा कि आपका 3 बच्चा पहले से था जी, 3 बच्चा आपका पहले था, 1 बच्चा अभी है, उसके बाद आप फेसबुक से इस तरह से इनके संपर्क में क्यों आई है बताते हैं। मेरा जैसे पति हुआ, मेरा भैंसुर हुआ, गांव का देवर लोग हुआ, सब इनका दोस्त थे, और कहीं ना कहीं मेरा बच्चा का बर्थडे वगैरह होता था तो स्टोरी में लगाती थी, तो वही मतलब एक तरह से ये जाल बिछा रखे थे, तो पता नहीं कैसे नहीं, तुम्हारा भैंसुर को जानता हूँ, तुम्हारा पति को जानता हूँ, मैसेज आने लग गया, मैं इग्नोर करने लग गई, 1 महीना तक इग्नोर करी, 1 महीना के बाद ये ना उन लोग के पास प्रूफ, सुनिए ना मेरा बात सुनिए भाई, आप पहले शुरू में बोले कि पूना नहीं ले गए, मैं ऐसा कब बोला, अरे उसी के वीडियो में बोले हैं भाई आप, ऐसा कब मैं बोला, 2 मिनट पहले ही उन्हीं के वीडियो में आप बोले हैं कि पूना नहीं ले गए, अब आप अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पूना ले गए हैं, क्या मजाक है ये सब बताइए, झूठ पे अपने ने पकड़ा रहे हैं भाई, आप खुद झूठ में पकड़ा रहे हैं ना, क्या झूठ में पकड़ा रहे हैं, पूना बोले नहीं ले गए, अभी इन लोग बोल रहे तो बोले क्या नहीं ले गए, आपका फोटो दिखा दिया पहले का 2-4 लड़की के साथ, क्या चले, तो इससे देखिए इससे यही पता चलता है भाई कि ये जो लड़का है या फिर जो कथित तौर पर जो भी इनको बदनामी किया जा रहा है उसका प्रूफ अभी तक दिखाया जा रहा है, अब आप लोग देख के बताइएगा, काफी संगठन के लोग भी आए हुए हैं, दिखा दीजिए इधर सब लोग आए हुए हैं जिसमें कि सब लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, ये लोग भाई साहब आए हुए हैं, क्या लगता है इसको रखवा दीजिए, हर हाल में रखना होगा इसको, ये लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी, पहला पति का भी घर छोड़वा दिया, अपने साथ भी नहीं रख रहा है, इसके बाद रास्ता ले गया दिल्ली ले जा रहा था, रास्ता ट्रेन से ही छोड़ के सब परिवार भाग गया, लड़की वहाँ से किसी प्रकार से आई गांव में, फिर मुखिया जी सब। अच्छा ये लड़की का गलती नहीं है कि लड़की शादीशुदा हो के फेसबुक से ये सब चीजों से क्यों मतलब संपर्क करके किसी से क्यों, ये लड़की गलती बड़ी, बड़ी आप लोग आ तो गए हैं सब लोग कि लड़का को रखवा देंगे बीच में, रखवा देंगे, कभी आप लड़की को ये बात समझाए हैं, जब लड़की के दूरा पर गए हैं तो सबसे पहले लड़की का हम लोग बोले हैं कि आप गलत, कहाँ का नियम है कि 3 गो बच्चा का माता होते हुए किसी को मैसेज करके या कोई भी कुंवारा लड़का हो या किसी से भी किसी को झांसा, ये तो इनकी भी तो गलती है, इस तरह से समाज में क्या मैसेज जाएगा, इनकी भी गलती है, इनके लिए खड़े हैं तो आप एक तरह के गलत इंसान के लिए ना खड़े हैं, नहीं कैसे कैसे महिला कुछ भी करे क्या जेंट्स कुछ भी करे वो सही है तो सही नहीं, हम तो आप देखे नहीं, नहीं, नहीं आप बोलते जेंट्स कुछ भी जेंट्स किसी भी बच्ची को बाला सुरा का कर ले, हम इनको बोले आपका पहले हम समाज में आते, समाज में अगर गलत लड़का अगर नहीं रहता तो समाज एक तरफा कहीं का नहीं होता है, समाज एक तरफा अगर वो लड़का अगर सही रहता तो समाज भी उसके साथ रहता, समाज तो उसको न्याय दिला देगा सर, अभी आप लोग है ना वो कह रहा है कि अंदर में जो फैसला होगा वो लेंगे हम, और फैसला यही होगा जो आप लोग चाह रहे हैं, कारण हम लोग नहीं चाह रहे हैं, हम लोग पहले फैसला जो यहाँ आया है महिला थाना में दोबारा आ रहा है, ऑलरेडी इनके गांव के पंच लोगों ने फैसला कर दिया था, दोनों के पति पत्नी मनवा दिया था, कागज बना के तब पूना भेजा था, उसके बाद ही झेलम एक्सेप्ट में छोड़ के भागता है, एक्सेप्ट करने के बाद गलती इसलिए इसके बाद फिर जो है झेलम एक्सप्रेस में रात में छोड़कर जो है चला जाता है,
सबसे ये महिला जब दर दर की ठोकर खा रही थी, सबसे पहले मैं महिला के पास गया था। जब ये पूरे परिवार वापस आए हैं, गांव के मुखिया महोदय सरपंच महोदय लाए हैं, सबसे पहले मैं इनका जो इनसे जानने गया था कि सच्चाई क्या है। मैं कितनों दरवाजे पीटते रह गया, बुलाते रह गया, नहीं आए। तो देखिए फेसबुक या प्यार का एक और मामला सामने आया। अभी हम लोग हाजीपुर महिला थाना में हैं और हमारे साथ प्रकाश हैं अपना सिटी न्यूज़ तक के, इन्होंने भी अभी इस मामले को कवर किया है। अच्छा, आपने लड़की लड़का दोनों का पक्ष अभी सुना, आपको क्या लगता है लड़का गलत है या लड़की गलत है? देखिए अभी तक लड़की का पक्ष सुने हैं, दोनों तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। वो बोलती है कि वो गलत है, वो बोलती है वो गलत है। अभी लड़का का प्रूफ दिखा ना, लड़का प्रूफ भी दिखा है। अभी तो लड़का का प्रूफ देखा है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लड़का गलत है। ठीक है, आप थाना में जो होगा अभी वहाँ पे सारा प्रूफ होगा, सबूत, उसके बाद क्लियर होता है क्या होगा आगे। तो हम लोग ने अभी वीडियो बनाया है और अभी वो दोनों लड़का लड़की दोनों अंदर गए हैं। अब दोनों में क्या रिजल्ट आता है वो भी आपको हम लोग देंगे। अभी हम लोग प्रेजेंट तौर पे यही हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या लगता है, क्या फेसबुक पे ये तीन तीन चार चार बत्ते बच्चे होते हुए प्यार करना सही है? आजकल क्या चल रहा है, फेसबुक या प्यार, इंस्टाग्राम या प्यार, व्हाट्सएप या प्यार, मतलब क्या चल रहा है? वो भी तीन तीन चार चार बच्चा होने के बावजूद और पति के रहते हुए कहीं और अफेयर चलाना, कहाँ चार बच्चा होने के बावजूद, वही तो कहाँ जा रहा हमारा समाज। तो देख सकते हैं आप लोग, बताइएगा कि कहां तक ये सही है, तीन बच्चा चार बच्चा, उसके बाद फिर डीएनए टेस्ट की बारी आ रही है, ऐसा क्यों करना पड़ा है? पूरे समाज को कहीं ना कहीं गंदा करने की कोशिश की जा रही है। बात है कि वो बोलता है कि मेरा बच्चा, वो बोलता है तुम्हारा बच्चा, और डीएनए टेस्ट मतलब कितने शर्म की बात है, क्या चल रहा है? मतलब तीन बच्चे के बाद भी जो है महिलाएं जो है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फंस जाती है, तो समझ जाइए अगर आपके घर में भी कोई महिला अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्यादा समय दे रही है तो उनको सावधान होने की जरूरत है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।